नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सीटेट जुलाई नोटिफिकेशन 2022 और तीसरे पेपर को लेकर आप सबके लिए बहुत बड़ी खबर इस समय की निकल के आ रही है, क्योंकि स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं कि सीटेट का अगला जो संस्करण है 17वां संस्करण होगा दोस्तों, जिसमें कि सीटेट की परीक्षा का आयोजन जुलाई में करवाया जाएगा। जुलाई के दूसरे सप्ताह में आपकी परीक्षा दोस्तों आयोजित होगी। उसके नोटिफिकेशन को लेकर, एग्जाम डेट को लेकर लाखों विद्यार्थी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इस बार दोस्तों CBSE बोर्ड की तरफ से साफ है कि इस बार तीसरा पेपर है वो आयोजित करवाया जाएगा। इसको लेकर तो जब 20 में ही प्रावधान किया गया था, लेकिन कोरोना के कारण से लागू नहीं किया गया, क्योंकि तीसरा पेपर होने से स्टूडेंट की जो संख्या है दोस्तों और ज़्यादा हो जाएगी, और इसी के साथ सिलेबस भी इसका नया जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तीसरे पेपर का नया सिलेबस आएगा और परीक्षा तिथि के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। साथ में जो है ना वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पर आपको सीटेट चक्रवर्ती की पल पल की अपडेट वो देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीटेट के नोटिफिकेशन के बारे में। तो सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल के पहले सप्ताह में, यानी कि जो अप्रैल अभी चल रहा है दोस्तों, पहले सप्ताह में ही जारी हो जाएगा। और इसके बाद आपके ऑनलाइन आवेदन भी चालू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और इसके लिए दोस्तों लगभग 30 लाख से ज़्यादा छात्र इस बार अप्लाई करने वाले हैं। दिसंबर 2021 में सीटेट जो आयोजित हुआ था उसमें 34 लाख छात्रों ने भाग लिया था, तो इस बार भी 30 लाख से ऊपर फॉर्म भरे जाएंगे। और तीसरा पेपर जुड़ने के बाद दोस्तों इसका जो क्राइटेरिया है और बढ़ जाएगा, क्योंकि सीटेट में अभी दो पेपर होते हैं, एक तो कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए, एक कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए। लेकिन अब दोस्तों आपके 3 पेपर हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें और छात्र जो है ऐड होंगे, तो मान के चलिए 30 लाख से ऊपर फॉर्म भरे जाएंगे। सीटेट इस बार बदलाव कर रहा है दोस्तों। CBSE बोर्ड की द्वारा जो सीटेट की एग्जाम होती है उसमें हर वर्ष कोई ना कोई बदलाव देखने को मिलता है। जनवरी 2021 में जो बदलाव किया गया था कि सीटेट की जो पात्रता थी वो आजीवन के लिए कर दी गई थी, लाइफ टाइम, यानी जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। और दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें ऑनलाइन एग्जाम कराने का फैसला लिया गया, हालांकि वो कोरोना के कारण लिया गया था। अब दोबारा से जो आपकी एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ही कराई जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन में काफ़ी खर्चा आता है दोस्तों, समय भी काफ़ी लगता है। स्टूडेंट की मांग भी है कि ऑफलाइन एक साथ सभी छात्रों की एग्ज़ाम कराई जाए, या फिर 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो जाए लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं कराई जाए। बात करें दोस्तों सीटेट के नोटिफिकेशन के बारे में, इसी सप्ताह में देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम डेट की बात की जाए तो अप्रैल माह में आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बोर्ड के जुलाई के दूसरे या सप्ताह में परीक्षा आयोजित करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरे सप्ताह में बोर्ड आपकी एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लेगा। तो ये भी दोस्तों आप सबके लिए अच्छी खबर है, और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एडमिट कार्ड 7 दिन पहले आते हैं दोस्तों। कंटिन्यूस अपनी जो है दोनों पेपरों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से करते रहें। तीसरे पेपर जो ऐड होगा दोस्तों उसके बारे में जो भी अपडेट आएगी नोटिफिकेशन, क्योंकि एक मीटिंग आयोजित हो चुकी है, और दोस्तों उसका सिलेबस जारी करके पैटर्न जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद आप तीसरा पेपर देने के लिए कम से कम आपके पास BEd होना अनिवार्य रहेगा। ये दोस्तों कुछ क्राइटेरिया रहेंगे, और भी आपको अपडेट करूंगा मैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।